आर वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में जो है इस तरीके के यहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं और ये लोग एक बहुत रिलीफ फाउंडेशन में के जो नौजवानों ने एक अच्छा सा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है सारे कलर कुछ बुलाते हैं। ये ज़रूरत है आज स्लम एरिया में, ये ज़रूरत है आज पूरे देश भर में कि इसको जो बीमार है उसका उपचार होना चाहिए, बेरोजगार है उसको रोजी मिलना चाहिए, जो है उसको ताकत मिलना चाहिए और इसी तरीके से देश में ना कि देश में यहाँ वहाँ की बातें करके देश बढ़ा दी जा सकता है। पहला दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार यहाँ पे आई है जो नौकरियों की बात नहीं कर रही है और मतलब लव जिहाद की बात कर रहा है और वो झूठा होता है। तो बोलता है कि लाखों के हिसाब से लव जिहाद की केसेस हुई है और मालूम पड़ा वो भी दो केसेस भी नहीं आए। उसके बाद भी सारी चीज़ें देश में एक ही चीज़ है इस देश के अंदर के भूखे को खाना मिलना चाहिए, बेघर को घर मिलना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, कमज़ोर को ताकत मिलना चाहिए, उद्योग जो ख़राब हो रहे हैं वो उद्योग ठीक चलना चाहिए, सिर्फ इसी की बातें होनी चाहिए। मीडिया ने और सारे लोगों ने भी ये फालतू लोगों की फालतू बातें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। न्यू होप दिल्ली फाउंडेशन द्वारा मालवनी गेट नंबर 7 के पब्लिक स्कूल में मेगा कैंप लगाया गया, फ्री मेगा हेल्थ चेकअप कैंप, पूरे बॉडी का चेकअप कैंप है। हमारे साथ महाराष्ट्र प्रवक्ता विनोद शेलार जी यहाँ पर आए, आइए उनसे बात करते हैं। सर यहाँ पर जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया मेगा, यहाँ के दर्शकों क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है नरगिस दस फाउंडेशन की मदद से। न्यू होप फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जितनी मेरी जानकारी है कैंसर चेकिंग के लिए लोग आते नहीं है, एक मन में डर कि मैं आया और मेरा कैंसर, अगर मालूम पड़ा मुझे कैंसर है तो फिर मेरा क्या होगा। इसके ऊपर मेरा कहना यह है कि अभी मालूम पड़ा तो मालूम पड़ा, अभी नहीं मालूम पड़ा तो बाद में बढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा और तब अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो अभी मालूम पड़ा तो मन पे पत्थर रख के चेक कर लेने का और उसका काम चालू करने का। तो और स्पेशली स्लम वाले एरिया में तो लोग आते ही, और ये बैकग्राउंड में फाउंडेशन ने इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और इतने बड़े तादाद में लोग आए, ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ। और ये जो कॉज है लोगों के लिए काम करने का, ये बहुत ही बढ़िया है। हमारे यहाँ शराफत भाई है, कृष्णा पांडे जी है और अन्य कई सारे कार्यकर्ता है, यहाँ पर मलिक जी है, जमाई भाई है, करीम है, शेख जी है, मानिक भाई है, पटेल भाई है, सभी लोगों का मैं यहाँ पे उनका धन्यवाद करूँगा कि वे समाज के काम के लिए पूरी ताकत से वो उतरे हैं और ये बहुत ही बढ़िया काम है। थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 5 बजे तक है ना, तो और जब घर घर जाके लोगों को बताइए तो और लोग आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ डिटेक्शन नहीं हो रहा है, कैंसर डिटेक्शन करने के बाद में अच्छा होने तक की ट्रीटमेंट का वायदा फाउंडेशन ने किया, ये सबसे बड़ी बात है और इसके लिए ये मैं उनकी कामयाबी मानता हूँ। थोड़ा अभी यहाँ आने के बाद मुझे एक बात मालूम पड़ी कि अच्छे काम के लिए महानगर पालिका ने हॉल का भाड़ा लिया स्कूल का। अभी शराफत भाई अभी मुझे बता रहे हैं, ये सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनको कहा आपने मुझे बताया होता तो मैं फ्री में करके देता था। महापालिका ने ऐसे काम के लिए महापालिका फ्री में देती है, ये अधिकार मेरे को एक लेटर आप लिख के दे दो क्योंकि क्यों उन्होंने पैसा मांगा मैं उनको पूछूंगा। अगर उनको मालूम था ये लोगों के लिए फ्री में है
तो महापालिका ने ये करना ही चाहिए था। जिस महापालिका अधिकारी ने मालूम होने के बाद भी पैसा लिया, मैं उसकी जो कंप्लेंट है ऊपर करूंगा और उनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। शुक्रिया। सर इधर इधर भजन इधर। हाँ हाँ बहुत अच्छे लोगों को रिलीफ का काम करते हैं। देखिए आप तरन्नुम इधर देखिए, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। और हमारे ये शराफत भाई हैं, शराफत भाई आप बात करिए। शराफत भाई आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन में आपका क्या पद है और यहाँ पर कितने लोग आए? बड़ा मेगा कैंप लगा हुआ है, काफी टेस्ट है यहाँ पर दिए हुए, फ्री मेडिकेशन, ब्लड चेकअप, बहुत से टेस्ट है। न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम शराफत आलम है। हम लोग मेडिकल कैंप 3 बार हो गया हमारा और सबसे बड़ा मेडिकल कैंप रखा हूँ। और इससे पहले भी अपने को जो एम्बुलेंस होता है वो गाड़ी वो हम लोग 3 महीने चलाया हूँ डॉक्टर के साथ, हर गली गली में मेडिकल कैंप रखा था। और उसके बाद पांडे भाई ने बोले लड़की का शादी, उसके बाद कोई स्कूल का फी, इससे हम लोग कंटिन्यू 2 साल से काम कर ही रहे और आगे आप लोग का आशीर्वाद से आगे चलते देखते हो कहाँ तक काम पहुँचते हैं। मेडिकल चेकअप यहाँ पर किया जाता है, अगर किसी को कुछ गंभीर बीमारी है आगे कुछ इलाज करना है तो उसके लिए आप क्या सहायता करते हैं? मेडिकल कैंप में हम लोग कैंसर पेशेंट के लिए ज़्यादा काम कर रहा हूँ और कैंसर पेशेंट कोई आता है वह इसमें मेडिकल कैंप में निकलता है तो इसका इलाज हमारा पूरा फ्री चेकअप होगा, आगे से फ्री चेकअप हो जाएगा। यहाँ से गाइड अपना हम लोग थ्रू से करेगा, हम लोग संजय दत्त का बहन से प्रिया मैडम जो उसका नागरिक फाउंडेशन है उनका तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी ये जो इसकी ब्रांच कहाँ पर है? एक ब्रांच है और भी कई? हमारा ये 3 ब्रांच हो रहे हैं अभी, एक अपने इधर है 7 नंबर पे, एक अम्बुजवाल में और एक धारावी में चालू होने वाले। और यहाँ की जनता को कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं आपके न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन को लेकर? हम लोग यहाँ की जनता को ये बोलना चाहता हूँ ये कैंसर के लिए खास करके कोई कुछ होता है तो हमसे बहुत अनिवार्य संपर्क करें और बाकी एडुकेशन के लिए 2 चीज के लिए हमसे संपर्क करें। ऑफिस है फ्लोर नंबर 7 गेट नंबर 7 न्यू कलेक्टर कंपाउंड नियर मदीना मस्जिद अम्बुजवाड़ी में एकदम कारगिल मस्जिद के पास है। तीसरा धारावी में, धारावी में भी चालू रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम बताओ, आज जो मेडिकल कैंप लगा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सुविधा पहुँचती है यहाँ की? भारत माता की जय हो। मैं वक्ताराम पटेल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ज्वेलर्स का, पहले मालानी था, अभी मलाड़ा बिजनेस शिफ्ट किया हूँ। मैं रहता कहीं मालानी भी हूँ, मलाड़ भी रहता हूँ, दो रूम अपना है, मेरा वैसे सब अच्छा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये फाउंडेशन है ना, इनको बोलो सब मैं जुड़ा हूँ फाउंडेशन से, लेकिन ये फर्स्ट ऐसे बच्चों को लीड देके सब पूरे हर फ्लोर पे आदमी पकड़ो, वो आदमी पकड़ के ये पूरे मालानी में बांटना चाहिए तो पब्लिक आना ज्यादा आएगी। मेरा कहना मतलब ये है, एक जगह से बैठ कर नहीं आती पब्लिक, पब्लिक बाजार में घूमने से आती है तो हर फ्लोर से एक बंदा पकड़ना चाहिए, एक बंदे को 100 पेमेंट दिया वो घर घर बांट देगा तो पब्लिक अपना आप बढ़ जाएगी। ऐसा फाउंडेशन होना चाहिए मजबूत कि जहां से खड़े हो वहां से लेन शुरू होनी चाहिए। हम लोग हमारे लोग ऐसे है जो बात क्लियर है, हमारे सीनियर है वो कैबिनेट मंत्री है जोगाराम जी पटेल राजस्थान में बीजेपी पार्टी तरफ से, जो बात क्लियर है बात ये है। और बाकी फाउंडेशन में हम साथ में है, आज भी कमेटी में है, सबको पूछ लो फाउंडेशन में हमेशा साथ में। सर आपका नाम बताओ, क्या कहना चाहिए? सर मेरा नाम करीम मंडल है, मैं न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन के मेंबर हूँ। और सर ये जो कैंप रखा गया, सबसे पहले तो मेरा जितना मेंबरशिप है न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका खून पसीने मेहनत के वजह से आज ये जो कैंप सफल होने जा रहा है। सर मालूम बहुत ही गरीब एरिया है, यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य के बारे में हर ट्रीटमेंट सब जगह सब मिलता नहीं है तो हम लोग इसीलिए रखे कि जगह पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए। किसी का कोई गंभीर बीमारी अगर उसका टेस्टिंग करने में आ जाए
तो उसका ट्रीटमेंट हमारा आगे जाके जो नागरी रक्त फाउंडेशन है सर, वो जाके आगे प्रोसेसिंग में करके अपोलो हॉस्पिटल में करते हैं, हाँ वहाँ पे किया जाता है सर। और हम लोग चाहते हैं कि और भी और लोग आए, सब जगह पे कैंपिंग हो चुका है, आज संडे है तो थोड़ा लोग पब्लिक थोड़ा लेट आएंगे, तो हम लोग बैठे हैं। अगले साल भी कहे थे लोग बहुत आए थे, हम लोग तो पूरा नहीं कर पाए, इतना लोग आए, ये साल भी उम्मीद है और लोग आएंगे और जुड़ेंगे और यहाँ पे और ट्रीटमेंट और अच्छी तरह होंगे। बहुत अच्छी आप सेवा है आपके लोगों को दे रहे, फ्री मेडिकल और बहुत से चेकअप भी है। यहाँ पर मालवणी क्षेत्र में एक ड्रग्स को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, स्कूल के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गुटखा भी लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो क्या इसको लेकर कोई आगे आपका फाउंडेशन कदम उठाएगा? हाँ सर, आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल उठाया, ये सवाल बहुत अहम सवाल है कि मालवणी जैसा जगह पे यहाँ का शिक्षा काम है, हर घर में छोटे छोटे बच्चा ड्रग्स का नशे का आदत लगता है, तो हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं और हमारा जो फाउंडेशन आगे है उनके तरफ बात चालू है, इसके बारे में नशा मुक्ति केंद्र का कैंप लगाएंगे जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाएगा कि नशा क्या चीज है और उसका ट्रीटमेंट और नशा छुड़ाने के लिए जो कदम उठाया जाएगा, जो प्रोसेस है वो हम लोग जरूर करेंगे, इसके लिए हम लोग सोच है, हम लोग को प्रोसेसिंग है सर। यहाँ पर जो सप्लाई होती है उसको लेकर आप कितना प्रशासन पे दबाव बनाएंगे, क्योंकि जब इसकी जड़ी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। हाँ सर, आप प्रशासन का हमारा जो पुलिस कमिश्नर है जो यहाँ पे हमने 5 नंबर जो सीनियर साहब है उनसे भी बात किया हूँ, उन्होंने पूरा सहायता दिया, बोला कि आप लोग करो हम लोग करेंगे, वो लोग भी साथ में आएंगे आप लोग को जागरूक करने के लिए। और पुलिस वाले को हम लोग ये बात किया कि जहाँ पे जहाँ जहाँ पे गली में हर मोहल्ले में जहाँ जहाँ पे बच्चे लोग ड्रग्स लेते हैं उन पर थोड़ा नजर रखे बात हो हमसे, वो पुलिस वाले साहब बोले कि हाँ सहायता पूरा करेंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर की टीम आई है उनके बारे में बताइए, और जो लिखा हुआ है सर्जिकल एग्जामिनेशन को कौन कर रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, वो हमें चाहिए। हाँ सर, यहाँ पे जो लिखा है बराबर है, यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं पहले उनका ब्लड चेकअप हो रहा है, पेशेंट हमने तकलीफ बताएगा वो सर चले डॉक्टर को लगेंगे, ये चेकअप जरूरी है तो चेकअप करेंगे, उनके बाद ऑनलाइन में ईमेल आईडी में व्हाट्सएप पे उनका रिपोर्ट मोबाइल पे आएंगे, किसी को कोई बीमारी आएंगे तो उसको बड़ा चेकअप करने के लिए अपने अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, फिर वहाँ पे उनका पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा नॉर्गिस फाउंडेशन की तरफ से। टीम डॉक्टर की कहाँ से आई है? ये सर टोटल आई सर नॉर्गिस फाउंडेशन से टोटल टीम आई है, जो भी सब आए मेडिसिन आए सब है, साढ़े 10 बजे लोग टच हुए सर। कितने लोग आए? यहाँ पे 25 लोग आए, डॉक्टर की टीम और उनका जो सहायता करने के हेल्प करने के लिए आए 25 लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू सर। सर आपका नाम बताइए और आपका न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन में क्या पद है वो बताइए और जो यहाँ पे क्या लगा उसके बारे में। मेरा नाम एजाज मल्लिक है और एनजीओ का मैं सेक्रेटरी हूँ और हम लोग कैंप लगवाए, ये हर साल ही लगवाते हैं हम लोग इधर। हाँ, जो भी है गरीबों का हेल्प करने के लिए हम लोग करवाते हैं, जितना होते हैं उतना हम लोग करते हैं हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई। अभी हमने यहाँ के जो प्रेसिडेंट है न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन के उनसे बात करते हुए एक बात नशे की भी निकली, तो उन्होंने कहा कि हम प्रशासन में दबाव बनाएंगे और भी कैंप और लगाएंगे इस तरह का जागरूकता का, तो क्या आपका एनजीओ भी उनके साथ मिलकर ये जो मालवणी में ड्रग्स है इसको रोका जा सकता? देखिए अभी जो ये न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन ने जो काम मेडिकल कैंप जो लगाया है बहुत ही सराहनीय है, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद दूंगा, उनके प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम को न्यू होप फाउंडेशन की, कि उन्होंने इतना अच्छा एक कैंप आज लगाया है मेडिकल कैंप, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा जो सवाल आपने किया कि जो ड्रग्स के ताल्लुक से, ड्रग्स ऐसा है ये बहुत कोई छोटी चीज़ नहीं है और एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, इसमें कई एनजीओस कई लोग का सहयोग लगेगा इसको ख़त्म करने के लिए। अगर न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन और समय फाउंडेशन की तरफ से मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि कभी भी समय फाउंडेशन की ज़रूरत हो आपको इस कोई भी कार्य के लिए, तो वो हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहेगा, मदद करने के लिए साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार है। जब भाई जैसे कि मालवणी में बातचीत चल रही है कि मालवणी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर आपका एनजीओ और सभी एनजीओ क्या कदम उठाते हैं? देखिए आज अभी असल में सवाल आपने यहाँ तो मेडिकल कैंप का था, लेकिन जैसे आपने सवाल कर ही दिया है, तो यहाँ पर कई सालों से जो है सभी धर्म के सभी जाति के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में जाते हैं आते हैं, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बाहर से आकर जो है यहाँ के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारे लोग सहयोग करें, शांति बनाए रखें, आपस में एक दूसरे से मतलब ध्यान रखें,
इस बारे में हमारे कल डीसीपी साहब से मीटिंग भी हुई थी, जिसके अंदर मैं समय फाउंडेशन की टीम हमारी गई थी और लोग भी थे। तो हमने डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर नहीं होगी करके, ठीक है। तो मतलब पूरी शांतिपूर्ण काम जो है यहाँ पर होने वाला है। हमारे साथ तालुकदार फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अमृतिन जी है, जो वार्ड प्रमंड 33 के शाखा प्रमुख भी है, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है, उस सिलसिले में क्या करें? यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगा, इसकी बहुत जरूरत थी हमारे मालूनी के लोगों को। जैसे हमारे यहाँ पे बस्ती है, थोड़े गरीब बस्ती है, तो उनको ऐसा फ्री मेडिकल कैंप की बहुत जरूरत थी। और जो न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन जो काम कर रही है नरगिस दस्त फाउंडेशन के साथ मिलकर, बहुत अच्छा काम कर रही है, कैंसर पे भी काम करते हैं। और मुझे बहुत इनका अच्छा काम लगा है। हमारे भाई हमसे आके संपर्क कर रहे थे और उसके बाद ये पूरा अरेंजमेंट करे उन्होंने, और जो काम कर रहे हैं बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। सर, आपका फाउंडेशन भी, आप शाखा प्रमुख है, या जिस तरह से मेडिकल कैंप लगा है, मालवनी में छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, तो किस तरह से इसके ऊपर अंकुश लगाया है? ड्रग्स लेते हैं इसको तो बहुत ड्रग्स का जो मामला है बहुत सीरियस मामला है, उसको सीरियस लेना चाहिए। और जो भी प्रशासन है उसको, हमारा प्रशासन काम कर रहा है और तेजी के साथ उसको काम करके एक अंकुश लगाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।